जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी पुनः एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अतिथि शिक्षकों को लेकर। जी हां साथियों, अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण अपडेट प्राप्त हुआ है। साथियों, हम आपको यहाँ पर अवगत कराना चाहेंगे, हाल ही में राज्य शिक्षा केंद्र ने माध्यमिक शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है, जिसमें संबंधित शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है, जनवरी के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होकर फरवरी के प्रथम सप्ताह तक चलने वाले हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण 5 दिवसीय होगा, जिसका अंतिम चरण 29 जनवरी से 2 फरवरी तक रहेगा। आप राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी पत्र देख सकते हैं, उसके जो निर्देश है उसमें मेंशन किया गया है। आप यहां पर देखेंगे, अंतिम चरण में जो प्रदेश की माध्यमिक शालाओं में जो अतिथि शिक्षक कार्यरत है, जो कि विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों पर कार्यरत है, उन्हें भी यह सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि अब अतिथि शिक्षक भी नियमित शिक्षकों की भांति सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं है। हालांकि ये माना जा सकता है कि नियमित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भांति ही शिक्षा विभाग ये चाहता है कि अतिथि शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में अतिथि शिक्षकों को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए अभी से इन्हें नियमित शिक्षकों की भांति ट्रेंड किया जा रहा है। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा एवं महत्वपूर्ण अपडेट है और एक सकारात्मक अपडेट है। धीरे धीरे ही सही, कहीं ना कहीं उन्हें नियमित शिक्षकों की तरह उनके प्रशिक्षणों में, उनके अन्य गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। साथियों, जैसे ही अतिथि शिक्षकों से संबंधित कोई भी अपडेट प्राप्त होगा, वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में अतिथि शिक्षकों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, कुछ महत्वपूर्ण आदेश DPI जारी कर सकता है। साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।